जय हिंद। दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो जाती है, लेकिन आप जब ऑस्ट्रेलिया आएँ तो टाइम से होटल से बाहर निकल जाएं और टाइम से आप घूमने फिरने चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ 5 बजे बंद हो जाता है। मार्केट्स वगैरह, मॉल्स भी 5:30-6 बजे तक सब बंद हो जाता है। तो कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो ध्यान रखें, सुबह 9 से 5 बजे तक यहाँ सब मार्केट्स वगैरह ओपन रहती हैं। आज थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ करेंगे यहाँ सिडनी में, और चलेंगे बोंडाई बीच। जो बीच कल्चर है यहाँ पर ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में आप सब लोग जानते ही होंगे। हम जो यहाँ का एक फेमस बीच है सिडनी का, बोंडाई बीच, वहाँ चलेंगे। और अभी ये रास्ते में मेट्रो का काम चल रहा है। बिल पोस्टर विल बी प्रोसिक्यूटेड, कहीं कोई पोस्टर वगैरह कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और शायद हमारे शहर में या देश में काम बाद में शुरू होता है, पोस्टर्स पहले लग जाते हैं। काम हो ना हो बाद में वो कोई वजह नहीं, पोस्टर और बोर्ड लगे रहते हैं। तो नेताजी प्लीज़ आप काम कीजिए, सिर्फ जो भी काम करते हैं उनका नाम वैसे ही रहता है, चाहे वो पोस्टर लगाएं ना लगाएं, दुनिया जानती है कि ये काम किन्होंने करवाया था, इसीलिए आपको दुनिया ने चुना होता है। माफ़ करना, लेकिन शहर को चमकाओ, अपने आप को कम चमकाओ, रिक्वेस्ट है। सिडनी में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए ये ओपल कार्ड खरीदना पड़ता है, क्योंकि आप कैश में टिकट परचेज नहीं कर सकते। ट्रेन्स में सिस्टम है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से फेयर पे कर सकते हैं। और अभी स्टोर पे मुझे जॉर्डेनियन भाई हैं, ये मिले हैं, और इनकी जो फेस है वसीम अकरम साहब से बहुत मिलता है। मैं इनसे पूछा आगे और लोग कि आप कहाँ से हैं, तो इन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, जॉर्डन से हूँ, लेकिन लोग मुझे वसीम अकरम समझ के मेरे साथ पिक्स लेते हैं आगे। मेरे को भी लगे थे ये कि शायद पाकिस्तान से होंगे, और वसीम अकरम साहब की तरह लग भी रहे थे, आप देख सकते हैं इन्हें। और बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन अभी इन्होंने मुझे दी है सिडनी के बारे में और आसपास के एरिया के बारे में, जॉर्डन के बारे में। और स्टोर को अभी देख लेते हैं, स्टोर्स में क्या चीज़ कितने की मिलती है, यहाँ पर कितनी महंगाई है, पानी। एक और बात है, यहाँ स्टोर्स में विस्की बियर वगैरह नहीं मिलती, उनके लिए सेपरेट शॉप्स हैं। जैसे हमारे वहाँ वाइन एंड बियर शॉप होती हैं, तो यहाँ पर विस्की, लिकर, अल्कोहल के लिए वाइन शॉप्स अलग से हैं। यहाँ स्टोर्स में वाइन बियर वगैरह नहीं मिलती। चलिए देखते हैं स्टोर में। अगर आपको एक पानी की बोतल भी लेनी है तो मिनिमम वो यहाँ पर $3 की है, यानी 150 Indian rupees की। तो भाई हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है, अपने देश की कदर कीजिए, उसे साफ़ रखिए। भाई सबसे ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने देश को साफ़ रखिए, अपने शहर को साफ़ रखिए, अपने मोहल्ले को साफ़ रखिए, आसपास एरिया को साफ़ रखिए, सबसे ज़रूरी वो है। और थोड़ी सी ट्रैफिक सेंस, अगर हम ये दो चीज़ें सीख लेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी महंगाई है बाहर देशों में, और हम लोग फ्री में रह रहे हैं, आप यही समझिए। क्योंकि जो यहाँ पानी की बोतल 150 रुपये की है, वो हमें इंडिया में 20 रुपये की, 25 रुपये की, 30 रुपये की मिल जाती है। ओके माय फ्रेंड, सी यू ऑन फेसबुक। चलते हैं बोंडाई बीच। CBD एरिया से डायरेक्ट बोंडाई बीच को बसें जाती हैं,
जो कार्ड है उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि एक कार्ड आपने लिया और यहाँ ये मशीन लगी हुई है, आपको इस पर टच करना होता है और जाते हुए जब आप उतर रहे हैं तो आपको फिर से इस मशीन पे कार्ड टच होना करना होता है। तो इन एंड आउट दोनों टाइम आपको कार्ड टच करना है, जैसे हम मेट्रो में दिल्ली में यूज़ करते हैं या और भी शहरों में मेट्रो शायद ऐसे ही लोग यूज़ करते होंगे, मैं तो दिल्ली में मेट्रो यूज़ किया है। बसेस का वे है या ट्रेन भी जाती है बोंडाई बीच की साइड, तो आप अपने होटल से, हॉस्टल से, एयरबीएनबी से, जहाँ भी आप रह रहे हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कॉन्सियर्ज सब जगह होता है, तो वो बता देंगे आपको कि बस कहाँ से जाएगी। टैक्सी का यूज़ कम ही करें ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बहुत महंगी है, काफ़ी महंगा है। सिडनी एरिया वैसे ही बहुत महंगा है। अभी हमारे पास कार है लेकिन वो पार्किंग में खड़ी हुई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पार्किंग कार से भी ज़्यादा महंगी है। कार से महंगी का मतलब ये है कि पेट्रोल उतना महंगा नहीं लगेगा, कार का रेंट उतना महंगा नहीं है जितना यहाँ पार्किंग महंगी है। तो जब हम कार निकालेंगे तो पार्किंग भी शायद कोशिश करूँगा आपको दिखाने की कि यहाँ कितनी महंगी पार्किंग है। लगभग $11 20 मिनट के लिए, यानी 550 रुपये 20 मिनट की पार्किंग है। बस के इस रेड पार्ट पे खड़ा होना अलाउ नहीं है, तो मेरे को एक सीट मिली हुई थी अच्छी, लेकिन उनके साथ छोटा बच्चा था तो मैंने अपनी सीट उन्हें दे दी है। फिलहाल दे देनी चाहिए सीट बच्चे को, लेडीज़ को, वो बच्चा बहुत क्यूट था। आ गए हैं बोंडाई बीच, तो बस से कोई आधा घंटा लगा लगभग सीबीडी एरिया से। बस का जो फेयर था वो $3.25 के आसपास लगा था, कोई लगभग 160 इंडियन रुपीस। ये बोंडी आइसबर्ग क्लब है। जब भी आप बोंडी बीच की कोई फोटोज़ गूगल पर या कहीं भी देखेंगे वीडियोस तो शायद आपको ये पूल दिखेगा। तो जो इसके चार्जेस हैं वो पर डे और मंथली भी हैं यहाँ पर। अगर कोई डॉग लेकर आता है यहाँ और वो पोटी कर देता है तो उसके लिए पॉलीथीन गवर्नमेंट ने लगा रखी है यहाँ साफ करने के लिए बोंडाई बीच पे सिडनी के।
कमाल है, छोटे छोटे बच्चे ऑस्ट्रेलियंस फिट हैं बहुत ज़्यादा, ज़्यादा फैटी मैंने यहाँ कमी लोग देखे हैं। जैसे ही थोड़ा सा सनी डे होता है तो यहाँ पर लोग बीचेस पे आ जाते हैं, बीचेस का चलन है ही, ऑस्ट्रेलिया अपने बीचेस के लिए मशहूर है और सिडनी में ये एक बुंडाई बीच जो है वो अपने आप में एक मशहूर जगह है। हेलो, ओपन जिमिंग का बहुत ट्रेंड है यहाँ और लड़के काफ़ी फिट हैं, लड़कियाँ भी फिट हैं, लेकिन अपने इंडिया के लड़के भी कम नहीं हैं, बहुत तगड़े हो जवानों, तुम भी। हाय, और अगेन जो पार्क्स में ये बारबेक्यू सिस्टम्स लगे हुए हैं तो ये बुंडाई बीच पे भी बारबेक्यू सिस्टम्स हैं, लोग अपने घर से बारबेक्यू का सामान लाकर यहाँ बारबेक्यू करते हैं और अपनी छुट्टी को एंजॉय करते हैं। आज सैटरडे है तो यहाँ काफ़ी भीड़ है, आपने देखा ही होगा। तो ये थी कुछ
झलकियां मुंडाई बीच की। जय हिंद। अभी हमें ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर जो पैडिंगटन एरिया में है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।